मौत के कुएं ने एक बार फिर उगली लाशें। जी हां, प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग के साथ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विदिशा जिले के सभी विधायक आला अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कंट्रोल रूम भोपाल में बैठकर पल पल की अपडेट ले रहे थे। जैसे जैसे कुएं की खुदाई गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे कुएं में से शव बरामद होते जा रहे हैं। पिछले 12 घंटों के अंतराल में कुछ समय पूर्व कुएं से 2 और शव बरामद हुए हैं, जिन्हें NDRF की टीम ने बड़ी सतर्कता पूर्वक कुएं से बाहर निकाला। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव, पूर्व विधायक निशांक जैन अपने कार्यकर्ताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने पीड़ित परिवारों को सांत्वना देकर अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की मांग प्रशासन से की। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर भी कार्यवाही होगी। साथ ही में आसपास के ग्रामीणों के साथ भारी पुलिस बल का हुजूम घटनास्थल पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त होने में अभी 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं। मोहल्ला वासियों का कहना है कि 11 लोग लापता है, जिसमें से 5 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के लिए गंज बासोदा से दिवेश जैन की रिपोर्ट।